बिग बॉस 14, दोस्तों आपको बता दें कि बिग बॉस 14 के घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेरबदल चल रही है, काफ़ी ज़्यादा टास्क हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक शॉकिंग खबर जो सामने आई है वो ये है कि एजाज खान के हाथ में चोट लग गई है और एक फ्रैक्चर बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब जिस तरीके से एजाज खान घर के कैप्टन हैं, हालांकि उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ रहा, लेकिन बिग बॉस के अंदर हमेशा ही ये होता आया है। और इससे पहले भी बिग बॉस 13 के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से रश्मि देवोलीना घर से बाहर गई थी, और इसी वजह से गई थी क्योंकि उनके इंजरी हो गई थी। तो वही दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर पारस छाबड़ा को भी हमने देखा था कि किस तरीके से उनकी उंगली में चोट लगी थी और वो भी बाहर गए थे और सीक्रेट रूम में उनकी एंट्री हुई थी उसके बाद में। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर एजाज खान भी अब जिस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, और बिग बॉस के घर के अंदर काम तो करना ही पड़ता है, तो जिस तरीके से वो लोग गए थे बाहर, और अब एजाज खान का नंबर भी आपके सामने आने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि इस चोट की जो बात है वो ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा समय जिम में अभी निकाल रहे थे और साथ ही में वहाँ पर उन्हें ये चोट आई थी और उसके चलते यहाँ पर उन्हें घर से बेघर भी होना पड़ सकता है। बिग बॉस यहाँ पर जल्दी ये डिसीजन भी दे सकते हैं, साथ ही में एजाज खान को काफ़ी ज़्यादा कम फुटेज भी यहाँ पर मिली है। एजाज खान काफ़ी कम काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा फिट पहले नज़र आ रहे थे वो अब बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरीके से यहाँ पर गेम पलटता हुआ नज़र आ रहा है, गेम के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है, तो बिग बॉस यहाँ पर एक होल्ड नहीं डालना चाहेंगे और उनके जगह एक वाइल्ड कार्ड एंट्री जैसे एलिगोनी आ ही रहे हैं। तो बिग बॉस को खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर एजाज खान बाहर जाकर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से रिकवर करके वापस आएंगे। और यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि फिर यहाँ पर एंट्री हमें वापस देखने को मिल सकती है एजाज खान की। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल खेलो खेलो को, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी और अपडेट सबसे पहले।